अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गर्मियों में ज़्यादा चटपटी और मसालेदार चीज़ें खाने को दिल नहीं चाहता, कुछ लाइट लाइट खाने को दिल चाहता है। तो आज हम आपके साथ एक लाइट सी चिकन की रेसिपी शेयर करें। नमकीन चिकन बना रहे हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में एक कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही एक किलो चिकन शामिल करेंगे। नमकीन चिकन के लिए चिकन के पीस बड़े रखवाएंगे, कढ़ाई पीस जो है वो टूट जाएगा। कलर चेंज होने तक चिकन को पकाएंगे। अब इसमें एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ ही आधा कप पानी का शामिल करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर कवर करके रखेंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए। चिकन गल चुका है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और उसकी पेस्ट बनाएंगे, वो शामिल करेंगे। नमक हसबे जायका शामिल करेंगे और फिर से हल्की आंच पर अच्छी तरह से भूनेंगे कि प्याज अपना कलर चेंज कर दे। देखिए, चिकन भी ब्राउन हो चुका है हल्का हल्का और प्याज ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें एक कप दही का शामिल करेंगे, एक चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, खुशबू के लिए दो बड़ी इलायची और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे और दरमियानी आँच पर दही का पानी ड्राई होने तक इसे पकाएंगे। 5 मिनट लगेंगे बस दही का पानी ड्राई हो जाएगा, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी गल चुका है। आँच हल्की करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। नमकीन चिकन हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हुआ है। 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल करेंगे, अदरक शामिल करेंगे, धनिया शामिल करेंगे और अगर आप ग्रेवी चाहें तो बना सकते हैं। इसमें आधा कप पानी शामिल कर दें तो इसकी ग्रेवी बन जाएगी। फिर से आँच बंद करेंगे और कवर करके रखेंगे। चिकन नमकीन हमारा माशाल्लाह बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।